नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। का हमें पूर्ण लाभ लेना है और अपनी समस्याओं का समाधान करना है तो उसके लिए कुछ विशेष समय रहते हैं। उन समय पर यदि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए वो मंत्र तो फलित होंगे ही, साथ ही आपके जीवन में चली आ रही कई समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। इस समय कौन से होते हैं? जैसे चंद्र ग्रहण का जो समय होता है, सूर्य ग्रहण, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, गंगा दशहरा, नवरात्रियाँ, दो गुप्त नवरात्रि, दशहरा का दिन, अक्षय तृतीया या फिर दीपावली की रात्रि में यदि कुछ विशेष प्रकार की साधना की जाए तो निश्चित रूप से हमें कई प्रकार की सफलता प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, 16 मई 2022 को 15 दिन के अंतराल में दूसरा ग्रहण पड़ने के लिए जा रहा है। पहला जो सूर्य ग्रहण था वो 30 अप्रैल को पड़ा था, जो कि हमारे भारतवर्ष में दिखाई नहीं दिया था, इसकी सूदक मान्य नहीं थी। दूसरा 15 दिन के अंतराल में दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ने के लिए जा रहा 16 मई को। तो 16 मई को ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी के संदर्भ में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, 2022 में कुल 4 ग्रहण पड़ने के लिए जा रहे हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण हैं, जिसका पहला सूर्य ग्रहण जो है 30 अप्रैल को पड़ चुका है, दूसरा सूर्य ग्रहण जो है वो 25 अक्टूबर को पड़ेगा, पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 दिन सोमवार को वृश्चिक राशि में पड़ने के लिए जा रहा है और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को पड़ेगा। तो इस अवधि में चंद्र ग्रहण के समय हमें किस प्रकार का उपाय करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, किस तरीके से जाप करना चाहिए कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। चूँकि चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को प्रातः 7:02 से 12:20 तक रहेगा, यह जो चंद्र ग्रहण है वो दक्षिण पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिका और दिखाई देगा। चूँकि यह ग्रहण जो है भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसकी किसी प्रकार की कोई भी सूदक इत्यादि मान्य नहीं होगी। अब आप यदि इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो 7 से लेकर के 12 के मध्य में आपको हम जिन मंत्रों का बता रहे हैं उन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। खासकर 8:59 से 10:23 के बीच में, जबकि ग्रहण पूर्णता की ओर रहेगा, उस समय यदि आप जाप करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। बाकी 7 से लेकर के 12 के बीच में आपको जब भी समय मिलता है तो इस प्रयोग को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आपको किस लिए करना है? यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का यानी वृश्चिक राशि में है, या चंद्रमा के साथ में राहु की युति बनी हुई है, या चंद्रमा के साथ में शनि की युति बनी हुई है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में यदि पीड़ित है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। चंद्रमा की महादशा चल रही है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। यदि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, आप भयभीत रहते हैं, आप
बड़े जल्दी बेचैन हो जाते हैं, रात में सोते सोते आप जो है चौंक करके उठ जाते हैं, रात को आपको नींद नहीं आती है, आपका व्यापार नहीं चलता है, या आप किसी न किसी रूप से ले जो है हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं, तो फिर यह उपाय आपको इस समय जरूर करना चाहिए। आपको करना क्या है, एक छोटा सा आप चांदी का सिक्का ले लें, 5 ग्राम के आसपास, और भी छोटा हो तो आप छोटा सा एक चांदी का सिक्का ले लें। प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में आप सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें, पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं और एक चांदी की छोटी सी कटोरी ले लें। यदि चांदी की कटोरी नहीं है तो कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं, चांदी की कटोरी होगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और उसमें आप जो है उस सिक्के को डाल दें और उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल दें, और गाय का कच्चा दूध डालने के बाद में अपनी उंगली से उसको जो है क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमाएं, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए 24 बार आपको इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए उसको घुमाना है। उसके पश्चात में उसको गंगा जल से साफ करके, यदि गंगा जल आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो शुद्ध जल से या गुलाब जल से साफ करके एक प्लेट में, जिसमें आप एक गुलाब का फूल रख दें और उस गुलाब के फूल के ऊपर आप उसको रख दें और उसमें चंदन इत्यादि आप लगा दें, तो उसके पश्चात में आपको प्लेट में उसको रख करके, और फिर उसके पश्चात जो है आपको 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करना है। 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद में 1 माला जो है आपको चंद्र गायत्री मंत्र का जाप करना, जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इस मंत्र का आपको 1 माला का जाप करना, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको जाप करने के पश्चात में उसको आप वहाँ रखा रहने दें। उसके पश्चात में शाम को जो है आप उस कमल के फूल के साथ में उस चांदी के सिक्के को एक सफ़ेद कपड़े में बांध करके अपने तकिए के नीचे आप उसको 15 दिन तक रखा रहने दें, और 15 दिन के पश्चात में उस चांदी के सिक्के को निकाल करके गंगा जल आदि से साफ करके गुलाब के फूल को आप कहीं किसी भी पौधे पर छोड़ दें, कहीं बाहर ऐसा ना फेंकें जिसमें किसी के पैर इत्यादि लगे। उसके पश्चात में उस चांदी के सिक्के को अपने तिजोड़ी में या अपने पर्स में रख लें, तो फिर निश्चित रूप से आपकी समस्याएं समस्त जो है वो दूर हो जाएंगी, आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, आपकी दरिद्रता दूर होगी, और आपका जो मानसिक स्थिति यदि आपकी ख़राब चल रही है, आपका मन स्थिर नहीं रहता, नींद नहीं आती, चंद्रमा आपका किसी भी तरीके से जन्म कुंडली में पीड़ित है, तो उससे आपको निश्चित रूप से शांति मिलेगी। तो यह अवसर बहुत कम आते हैं, साल में 1 बार आता है, तो इस प्रकार के अवसर को हमें चूकना नहीं चाहिए, और इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। और उपाय जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करेंगे तो वो भी इसका लाभ उठाएंगे, तो आप भी उसके पुण्य के भागीदार बनेंगे, तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। आशा मित्रों आप इस उपाय का जरूर लाभ उठाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें, नमस्कार, ओम शांति।